दोस्तों, अगर आप म्यूजिक इंडस्ट्री से थोड़ा सा भी लगाव रखते हैं तो आप ट्यूफे के बारे में तो जानते ही होंगे, जिन्होंने बहुत ही कम समय के अंदर लोगों के दिलों के अंदर अपनी जगह बनाई और आज के महान रैपर उनको आदर्श मानते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में किसी के पास टैलेंट का होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस टैलेंट को लोगों को दिखाकर उनके दिलों में जगह बनाना और वह भी बहुत कम समय में और ऐसे परिवेश से निकलकर जहां से लोग बात करने से भी डरते हैं, वहां से लोगों के बीच आना अपने आप में काबिले तारीफ काम है। दोस्तों, वैसे ही ट्यूपे की कहानी भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा शानदार और इंस्पिरेशनल होने वाली है। दोस्तों, इतने कम समय के अंदर ट्यूपेक ने कैसे म्यूजिक इंडस्ट्री के इस मुकाम को हासिल किया जिसको पाने के लिए आज के रैपर दिन रात एक कर देते हैं, तो चलिए जानते हैं ट्यूपेक की जिंदगी की असली कहानी। दोस्तों, ट्यूपेक के टैलेंट ने पहले तो उन्हें पूरी दुनिया में पहचान दिलवाई और फिर लोगों के दिलों में उन्हें अमर कर दिया। ट्यूपेक एक अमेरिकन रैपर और एक्टर थे जिन्हें दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट रैपर ऑफ ऑल टाइम भी माना जाता है। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हाईएस्ट सेलिंग रैप आर्टिस्ट में दर्ज है। आज की ज्यादातर बड़े और मशहूर रैपर्स ट्यूपेक को ही अपना आदर्श मानते हैं। ट्यूपेक अमरू सकूर का जन्म 16 जून 1971 को न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। उनके पिता का नाम बिली गारलैंड और माँ का नाम अफेनी सकूर था। दोनों ही ब्लैक पैंथर पार्टी के सदस्य थे। दरअसल ब्लैक पैंथर पार्टी एक राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना अक्टूबर 1966 के कैलिफोर्निया के ओकलैंड में कॉलेज के छात्रों बॉबी सीले ह्यूए पी न्यूटन द्वारा की गई थी। इसी वजह से उन पर कई क्रिमिनल चार्जेस भी लगी हुई थी। ट्यूपे के जन्म से एक महीने पहले ही उनकी मां को 150 अलग अलग मुकदमों से बरी किया जा चुका था। ट्यूपे का बचपन ऐसे ही लोगों के बीच गुजरा जो कई सारे आपराधिक मामलों में शामिल। उन्होंने अपना शुरुआती जीवन गरीबी और बदहाली में बिताया था। जीवन में पहली बार जब उन्होंने 1983 में एक लोकल प्ले में एक्टिंग की थी तो उसके बाद उन्हें एक्टिंग से लगभग प्रेम हो गया था। वे एक्टिंग के बारे में सोचने लगे, दिन रात इसी के बारे में उनके मन में ख्याल आते रहते थे और आगे चलकर इसी में वे अपना करियर बनाना चाहते थे। 1986 में ट्यूपे का परिवार बाल्टीमोर मेरीलैंड शिफ्ट हो गया था। उन्होंने यहीं अपना बचपन और जवानी कई अलग अलग स्कूलों में पढ़ाई करके बिताई। स्कूलिंग के दौरान ही वे एक रैपर भी बन चुके थे। इस दौरान उन्होंने स्कूल में होने वाली कई छोटी बड़ी प्रतियोगिताओं में अपना पहला पुरस्कार भी जीता था। अपनी शानदार रैपिंग स्किल्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पोएट्री क्लासेस लेना भी शुरू कर दिया था। जल्दी एक कंसर्ट में ट्यूपेक ने स्ट्रिक्टली डोप ग्रुप के साथ परफॉर्म भी किया। 1990 में उन्होंने हिप हॉप ग्रुप डिजिटल अंडरग्राउंड के साथ भी काम किया। 1991 के अंत में उन्होंने अपना सोलो एल्बम 2 पेकिलिप्स नाउ रिलीज किया। ये उस वक्त की कई अहम मुद्दों जैसे रेसिज्म, पॉवर्टी, वायलेंस और टीन एज प्रेगनेंसी पर आधारित था, लेकिन इन विवादित मुद्दों पर आवाज उठाने की वजह से जहां उनके कई वफादार फैंस बने तो वही कई लोगों की नफरत का सामना भी उन्हें करना पड़ा। ट्यूपे का दूसरा एल्बम 1993 में रिलीज किया गया और उनके पहले एल्बम से कहीं ज्यादा सफल साबित हुआ। इसी एल्बम से ट्यूपे की लोकप्रियता बढ़ी थी। आगे चलकर उन्होंने बिग साइकी, मोप्रीम सकूर और रेटेड आर के साथ मिलकर ठग लाइफ नाम का एक ग्रुप बनाया। इस ग्रुप का पहला एल्बम ठग लाइफ 1 1994 में आया था। ये ट्यूपे का सबसे सफल एल्बम भी रहा जिसे यूएस में गोल्ड भी मिला। इसी दौरान ट्यूपे को कई विवादों का सामना भी करना पड़ा। उन पर बहुत सारे आरोप लगा दिए गए थे, उन पर गोलियां भी चलाई गई जिसमें वे बाल बाल बचे थे, लेकिन फिर भी उन्हें जेल जाना पड़ा। जेल में रहकर उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी और अपने संगीत पर काम भी करते रहे। मार्च 1995 में उन्होंने अपना तीसरा एल्बम भी मी अगेंस्ट द वर्ल्ड रिलीज किया। ये लॉन्च होते ही लोगों का सबसे पसंदीदा एल्बम बन गया और बिलबोर्ड चार्ट्स के शीर्ष पर भी पहुंच गया। ट्यूपे के जीवित रहते हुए उनका आखिरी एल्बम ऑल आईज ऑन मी था जो कि 1996 में रिलीज हुआ था। इस एल्बम के 5 सिंगल्स रिलीज के एक महीने के अंदर ही मल्टी प्लेटिनम बनने में कामयाब रहे। 7 सितंबर 1996 को ट्यूपे अपने दोस्तों के साथ माइक टायसन का बॉक्सिंग मैच देखकर वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में हमलावरों ने उन पर फायरिंग करना शुरू कर दिया और एक के बाद एक 4 गोलियां उन्हें लगी। इसके बाद उन्हें तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया।
लेकिन 6 दिनों तक मौत से जंग लड़ने के बाद 13 सितंबर 1996 को उनका निधन हो गया। लेकिन अपनी इस छोटी सी जिंदगी में ही उन्होंने लोगों के दिलों में अलग अलग जगह बना ली थी। दोस्तों कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, और आप किस टॉपिक के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं हमें बता सकते हैं।